तो पहला कार्ड जो आपके लिए डिवाइन फेमिनिन जो आपके लिए आया, डिस्कवरी कार्ड आया। देखिए मैंने कहा ना, आंतरिक आत्मा की खोज के लिए होने वाले ऐसा तो कार्ड ही आपके लिए डिस्कवरी कार्ड आया है, यानी कि कोयले कोयले में से सच्चा हीरा खोज कर लाने का। बहुत सारी, देखिए जब आप YouTube पर होते हैं या कहीं भी आप होते हैं, नॉलेज बहुत सारी अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज कोयला है और कहाँ सच्चा हीरा है, ये परख करने का ये आपका साल है। क्या चीज है जो आपको नहीं देखनी चाहिए, जिस पर आपको नहीं ध्यान देना चाहिए, और क्या चीज है जो आपको सैकड़ों हजारों कोयलों के बीच में से अगर एक हीरा, अगर आप सच्चे हीरे को परख सके, सच्चे ज्ञान को आप परख सके, तो उस हीरे को पहचान लेने का, उस हीरे की परख करने का और उस हीरे का अपने हाथ में उठा लेने का, ये आपका इस ये डिस्कवरी का साल होने वाला है। यानी एक मुहावरा है, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ये वो साल होने वाला है कि जब आपको एक्चुअल एक्चुअल समझ में आएगा कि जीवन के एक्चुअल मूल्य क्या है, जीवन में क्या ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में रहनी चाहिए, क्या है जिसको आपको सुनना है, देखना है, समझना है, परखना है, और क्या ऐसी चीज है जिसको आपको लेट गो कर देना है। हर एक चीज के अंदर से सच्चा, एक पारखी की तरह, सच्चे पारखी की तरह सच्चे ज्ञान को अपने लिए पिक कर लेना, सच्चे रिश्तों को अपने लिए पिक कर लेना, यानी टोटल प्योरिटी, टोटल प्योर क्रिस्टलाइन एनर्जी को, ये आप देख रहे हैं किस तरह की क्रिस्टलाइन एनर्जी है, तो एक टोटल प्योर क्रिस्टलाइन एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, पहचान पाना, आइडेंटिफाई करना, और अपने आप को उस क्रिस्टलाइन एनर्जी से कनेक्ट करना, और बाकी जितना भी डार्कनेस है, ब्लैकनेस है, वेस्टेज है, उसको अपनी जिंदगी से निकाल देने का 2021 का यह साल होने वाला। बहुत सावधानी पूर्वक, हीरे का पारखी, हीरे की परख हर कोई नहीं कर सकता है, बहुत सावधानी पूर्वक सर्च करना होगा आपको, बहुत सावधानी पूर्वक आपको प्लान करना होगा, बहुत शांत दिमाग के साथ, सुलझे हुए दिमाग के साथ, खोए हुए खजाने को पाने का, खोए हुए ज्ञान को पाने का, खोई हुई स्मृति को पाने का, खोए हुए सोर्स एनर्जी को, खोए हुए सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को पा लेने का ये साल आपके लिए होने वाला है। और इस साल जैसे कि आपको ऐसा लगेगा आपका खोया हुआ आत्मिक खजाना आपको मिल गया है, कोयले की खदान में से हीरा खोद लेने के बराबर का जो ज्ञान होगा, वो पिक्यूलियर ज्ञान, वो अटमोस्ट प्योर ज्ञान आपको इस साल मिलेगा डिवाइन फेमिनेंस, अगर आप खोज करोगे तो। डिस्कवरी का कार्ड है, ज्ञान यहीं पर है, सब कुछ अवेलेबल यहीं पर है, डिस्कवर करना होता है। जब भी हीरा जो होता है वो उसको बनाया नहीं जाता, उसको केवल खोद कर निकाला जाता है, वो तो वहीं पर है, लेकिन खुदाई करके जाने का और उसको परखने का जो मेहनत है वो आपको करनी होगी इस साल में। ओके और हीरे, आपको पता है जब कोल माइंस की जो खदान की जब खोज की जाती, कई किलोमीटर्स नीचे जाना पड़ता, बहुत पेन स्ट्रैकिंग, बहुत ही जटिलता से और बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ ये पूरा प्रोसेस होता है, जब जिसमें हीरों की तलाश की जाती है। तो डेफिनेटली 2021 ईयर जो होगा वो एक पेन स्ट्रैकिंग ईयर होगा, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो आपको उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ में प्रयास तो आपको करना ही होगा। तो आपको पूरी ग्रेट डिस्कवरी, अगर जो आप करने के लिए आए हैं, सोल पर्पस आपको अटेंड करना है, मुझे मैं यहाँ आया क्यों हूँ, मैं पाने क्या आई हूँ, ये सब करने के लिए आपको एक पेन स्टैकिंग, एक बहुत ही प्रिसाइज वे में आगे बढ़ना होगा। याद रखिएगा कि एक हीरे को पाने के लिए कई सारे टनों कोयले आपको अपने रास्ते से हटाने होंगे, कोयलों की कालिख में खो नहीं जाना, उनके ढेर के अंदर आप दब नहीं जाना, और लगातार लगातार अपने हीरे की खोज के लिए बढ़ने का आपके लिए साले अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए नॉलेज को, एक्सप्लोर कीजिए हाई नॉलेज को, एक्सप्लोर कीजिए हाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, फॉलो कीजिए अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को, तोड़ दीजिए, यानी बहुत सारे कोयलों को हटाओगे तब एक हीरे की प्राप्ति होगी, यानी बहुत सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को आप अपनी लाइफ में से रिमूव करोगे तो आपको सच्चे ज्ञान की, सच्चे मोती की या सच्चे हीरे की आपको परख हो पाएगी। इस तरह का ये पाथ है, ये कॉलिंग आपके लिए आ चुकी है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइज ना बहुत फालतू के, चाहे वो आपके करियर ऑप्शंस हो या लाइफ पार्टनर्स के ऑप्शन हो या लाइफ के बहुत सारे बेकार ऑप्शंस को बिल्कुल अलग कर, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं सीधा सीधा वही पाऊंगी और वही पाने की कोशिश करूंगी, वही पाने का प्रयत्न करूंगी जो मैं एक्चुअल में पाने के लिए इस धरती पर आई हूँ। इस तरह से अपने उद्देश्य को डिस्कवर करने के लिए, अपने लाइफ पर्पस को डिस्कवर करने के लिए ज्ञान, ट्रू नॉलेज,
ट्रू नॉलेज को पाने की जो एक अंदर से प्यास जागृत होगी, एक अंदर से एक इंस्पिरेशन जागृत होगी, उस तरह का ये साल आपके लिए रहने वाला डिवाइन फेमिनाइंस, ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस ऑन ट्रू सोल जर्नी। तो बहुत ब्यूटीफुल ये एनर्जी आपके लिए निकल गई। और दूसरा कार्ड आपके लिए ध्यान, अगेन ये बात है, देखिए डिस्कवरी, जब आप किसी चीज की खोज करते हैं तो पूरा का पूरा ध्यान आपको वहां लगाना पड़ता है। नो डिस्ट्रैक्शन, आपका पूरा का पूरा ध्यान इस पर रहेगा कि मैं वही डिस्कवर कर रही हूं या मैं वही उसी पाथ पर जा रही हूं ना जिस पर जाने के लिए मैं आई हूं। तो आप अपना ध्यान बाकी की सारी बेकार की बातों से हटाकर पूरा का पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो 2021 में। अपने हाईएस्ट पर्पस को फुलफिल करने की दिशा में आप बढ़ने वाले हो, डीपेस्ट इंसाइट की तरफ आप जाने वाले हो, डीपेस्ट नॉलेज को लेने के लिए आप जाने वाले हो। और जो कुछ आप पाओगे उसको आप शेयर करोगे दुनिया के साथ, आप शेयर करोगे दुनिया के साथ, उस नॉलेज को शेयर करने के लिए आप आए हो। और अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि जैसे कि आपको पता है एक हीरे को तलाश करने के लिए टनों कोयला हटाना पड़ता है, इट इज ऑब्वियस, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये चीज आपको अब समझ में आ गई है कि ट्रू नॉलेज तक पहुंचने के लिए, ट्रू लाइफ पर्पज तक पहुंचने के लिए ही ये सारे ऑब्स्टेकल दिए गए, ये सारे परेशानियां जो मुझे आई थी वो इसीलिए आई थी ताकि मैं अपने ट्रू पर्पज पर पहुंच सकूं। तो अब आपके लिए ऑब्स्टेकल कोई मायने नहीं रखते, आपके लिए बाधाएं कोई मायने नहीं रखती, आपके लिए नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप इतने ज़्यादा ध्यान केंद्रित हैं और होंगे और इतने फोकस्ड होंगे कि अब कोई भी चीज आपको आपकी सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा मुझे यहां पर लगता है। आप इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर आप इतने खो जाएंगे, एक ध्यान अवस्था आप समझते हैं, जैसे जब डांस करते करते एक डांसर खुद डांस हो जाता है, जब गाते गाते सिंगर खुद सॉन्ग हो जाता है, इस तरह से आप ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखते 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 आप खुद ईश्वर हो जाएं, तो इसमें कोई बड़ी बाधा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप हीरे की खोज करते करते आप खुद हीरा हो जाए, जौहरी से आप खुद हीरा हो जाए, इस तरह की ये जर्नी है। और इस तरह की जर्नी में आप हीरा बनने की कगार पर, हीरा बनने की राह पर हैं 2021 में, डेफिनेटली ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि तीसरा कार्ड भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आया, डिवाइन फेमिनिन। ये जो कार्ड है ये लियोनार्डोस वर्चुवियस मैन, ये आपने शायद इस आकृति को बहुत बार देखा भी होगा गूगल में, अलग अलग बुक्स के अंदर आपने देखा होगा। ये जो आकृति है ना, ये बहुत सारी, कई सारी ये बातें कहती हैं। एक वैसे ये पूरा ये जो है एक तरह से इस तरह बना हुआ है कि ह्यूमन की बॉडी के प्रपोर्शंस किस तरीके से होते, फिजिकल प्रपोर्शंस के बारे में ये है। लेकिन आपके लिए इसका क्या महत्व है, इस कार्ड का आपके लिए इस बात का ये महत्व है कि आप इस चीज़ को समझेंगे कि आप एज अ ह्यूमन बींग आप यहाँ क्यों हैं, और एक ह्यूमन बींग होते हुए भी कैसे आप एक डिवाइन नेचर को बिलोंग करते हैं, कैसे आपने इस ह्यूमन बॉडी के अंदर एक डिवाइन सेल्फ को छुपा रखा, और कैसे आप इस ह्यूमन सेल्फ में रहते हुए, इस ह्यूमन बॉडी में रहते हुए कैसे आप अपनी डिविनिटी को पा सकते हैं, ये बात इस साल 2021 में आपको समझ में आएगी। और आप ना सिर्फ आप आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति करोगे, जैसा कि ध्यान यहाँ लिखा हुआ है, तो ना सिर्फ आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति करोगे बल्कि उसका सीधा सीधा असर आपकी फिजिकल यानी मटेरियल वर्ल्ड पर भी आएगा। जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसके अंदर भी एक बैलेंस के साथ, बैलेंस अप्रोच के साथ आप जिंदगी को बिताना शुरू करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी बॉडी प्रपोर्शन में आएगी, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है और इसीलिए आप मटेरियल लाइफ में भी साथ का साथ ही आप ग्रो करते जाओगे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होने वाली है 2021 में। और आप ना ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को अगर आप जान जाओ उस 2021 में, तो मान के चलिए कि आप जानेंगे, क्योंकि 2021 में ना कोड ब्रेकिंग का ईयर होगा। आप ह्यूमन लाइफ में क्यों हो, आप आत्मा परमात्मा से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस है ना, उनकी क्वेरीज जो है आपकी, उन पर आपको आंसर मिलेंगे। आपको आप डीकोड कर पाओगे, एक तरीके से आप लाइफ बुक को डीकोड कर पाओगे, जिंदगी को डीकोड कर पाओगे। ह्यूमन ह्यूमन आप क्यों बने, या आप क्यों आए, या आपकी आत्मा का क्या उद्देश्य, इस तरह के बहुत बड़ी बड़े अनसुलझे जो रहस्य होंगे, उन रहस्यों को आप अगर इस 2021 में आप उजागर कर पाओगे, आपको नॉलेज हो पाएगी, आप कॉस्मिक जो सीक्रेट्स है ना उनको आप डिकोड कर पाओगे, और एक आइडियल, एक परफेक्ट
ह्यूमन बीइंग बनकर आप जीना शुरू कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में ब्रह्मांड के वो रहस्य हाथ लगेंगे जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि ओके व्हाई आई एम हियर, और अब एक ह्यूमन बॉडी में रहते हुए मुझे कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये चीज़ आप समझ जाओगे। यूनिवर्स का नेचर क्या है, यूनिवर्सल लॉज क्या है, परफेक्ट लाइफ कैसी होती है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को कैसा होना चाहिए, इस तरह के बहुत गूढ़ रहस्य इस साल डिवाइन फेमिनेंस आपको समझ में आएंगे। और ह्यूमन नेचर की सही परख होना, जिंदगी जीने का सही मतलब कि लाइफ को एक परफेक्ट वे में जीने का तरीका, परफेक्ट वे में अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका डिवाइन फेमिनेंस इस साल 2021 में आप पाने वाले हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। और उसके बाद में चौथा कार्ड भी आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, चैरियट कार्ड है, जो नॉर्मली चैरियट कार्ड होता है, इस डेक में इसको द मून चैरियट कार्ड का। आप देख रही हैं यहाँ पर एक ओल्ड लेडी है और उसको एक यंग जो है लेडी धक्का दे रही है और आगे बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ का मतलब, आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो है ना वो अब बैठ चुका है और नया बिलीफ सिस्टम जो है उसको चला रहा है। ओल्ड बिलीफ सिस्टम चल नहीं पा रहा है, लेकिन ओल्ड विजडम काम आ रहा है। जब आप जैसे से आप एज गेन करते जाते हो तो आपके विचार तो नए नए आते जाते हैं, ओके। तो न्यू बिलीफ सिस्टम आपके डेवलप हो रहा है, लेकिन ओल्ड विजडम जो समझदारी आपने गेन की है ना वो भी यहाँ पर काम आ रहा है। लेकिन अब आपका जो काम चलेगा वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम से नहीं चलेगा, ओल्ड बिलीफ सिस्टम बैठ चुका है, सिर्फ ओल्ड विजडम आपके काम आएगा। और न्यू बिलीफ सिस्टम पुराने विजडम को न्यू बिलीफ सिस्टम ओल्ड विजडम को धक्का मारकर आगे लेकर जाएगा, यानी पुरानी समझ जो आपने गेन की है और नया बिलीफ सिस्टम जो आप पाया है और जो आप पाओगे वो अब आपको आगे की ओर गति प्रदान करेगा। आगे की आपकी जर्नी में दो चीजें आपके लिए सहायक होंगी, एक तो आपका ओल्ड विजडम जो अब तक का ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो, लेकिन नए बिलीफ सिस्टम के साथ, नए थिंकिंग पैटर्न के साथ, नए विचारधारा के साथ अब आप आगे बढ़ोगे। और आगे की जो जर्नी है ना ये आपकी दो चीज़ें डिमांड करती है, फ्रेश पर्सपेक्टिव सोचने का बिल्कुल नया तरीका, और ओल्ड विजडम जो आपने अब तक की अपनी सोल जर्नी में विजडम गेन की है वो विजडम, और ट्रू नॉलेज। जब आपके पास एक ट्रू नॉलेज होगी, सही नॉलेज होगी, सही ज्ञान होगा, विजडम होगा और नया बिल्कुल फ्रेश न्यू आइडियाज होंगे, तो आप इस जर्नी में बहुत ईजिली 2021 में आगे बढ़ पाओगे, ओके। और ये सब कुछ आपने गेन किया है अपने मून कार्ड का मतलब समझते हैं इंट्यूशन, अपने दिल की आवाज को फॉलो करते हुए। जब जैसे आप आगे बढ़ते गए हो और आगे 2021 में भी आप बढ़ते जाओगे तो ये सारी चीजें आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। जो भी इस कार्ड में बताई गई हैं ये सारी चीजें आपके 2021 में सोल जर्नी में सहायता करेंगी। मून आपकी इंट्यूशन, द ओल्ड लेडी आपका विजडम आपका नॉलेज, और यंग लेडी आपका सोचने का नया नजरिया। ये सब चीज़ें आपको 2021 में एक हारमोनियस वे में अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। तो डिवाइन फेमिनाइंस इट्स लाइक अब आपके लिए समझने का समय आ चुका है कि इस ट्विन जर्नी पर आपके जो पुराना जो भी कुछ ओल्ड था, यानी आप क्रेविंग कर रहे थे या आप चेजिंग कर रहे थे या आप इनर वर्क कर रहे थे फिर भी आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे थे, नॉन डिटैचमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, ये चीज़ों से आप 2021 में डेफिनेटली बाहर निकल पाएंगे। आप अपने आप को आगे की जर्नी के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि आगे की जर्नी जो है वो आफ्टर डिटैचमेंट की जर्नी है। अगर जो डिवाइन फेमिनेंस अभी भी अटैच है अपने ट्विन से, अटैच है लेबल से, अटैच है ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं इसको कैसे लेट गो करूं, अरे बाबा रे। और बहुत सारी लेडीज जो मेरे पास में आती हैं वो कहती है हमको एक्स वाई जेड पता नहीं कोई टैरो रीडर ने ये बता दिया, ट्विन फ्लेम में यूनियन नहीं होगी तो कैसे चलेगा, आप ट्विन के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप ट्विन को तो छोड़ ही नहीं सकते, भले इतना एब्यूसिव रिलेशन है लेकिन वो मेरा ट्विन फ्लेम है तो मैं तो कभी उसको छोड़ ही नहीं सकती। इस तरह के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में अगर आप अभी भी हैं, अभी भी चेज कर रहे हैं, अभी भी आप नॉन डिटैचमेंट की स्थिति में नहीं आए हैं, अभी भी अगर आप उस नॉन डिटैचमेंट के अंदर हैं तो आप इस हाई लेवल ऑफ नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस में जाने के लिए इसका मतलब आप अभी भी तैयार नहीं हैं। तो आगे की जर्नी पर अगर आप जाना चाहते हैं कंप्लीटली नॉन डिटैचमेंट के साथ, नॉन जजमेंटल एनर्जीज के साथ में, सेल्फ डिस्कवरी को अपना लक्ष्य बनाकर अगर आप आगे बढ़ेंगे इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और इसका फायदा ना सिर्फ आपको होगा, आपके ट्विन को भी होगा। ट्विन से डिटैच होकर जब आप आगे बढ़ोगे तो वो ट्विन की भी हेल्प करोगे और इस जर्नी में आप अपनी भी हेल्प कर पाओगे। अभी तक आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानर का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और
अगर आप अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन का काम आप करना चाहते हैं, तो मेरे बनाए हुए इस माई माइंडफुल प्लानर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लानर को आप ऑर्डर कीजिए 2021 में। इसके साथ में अपने जीवन की एक ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत कीजिए। बहुत कम कॉपीज अब मेरे पास में बची हुई हैं, बहुत जल्दी ही स्टॉक आउट हो जाएगा ये प्लानर, और उसके बाद दोबारा मैं इसको इस डिज़ाइन में तो एटलीस्ट लेकर नहीं आऊँगी। तो आप जल्दी से इस प्लानर को ऑर्डर कीजिए 2021 को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहां ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट कर रही हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ, एनर्जी हीलिंग को करने के लिए क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमाथेरेपी के द्वारा और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे WhatsApp कीजिए मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारे।